मैं। उनको मैं अपनी फोटोग्राफी में ना बिस्मान रही असल क्या हाल है सबके उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खूब मजे में होंगे और जी ये पीले पीले फूल जो आपको साइड वॉक पे खिले हुए नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली वीड्स हैं तो so, अलहमदिल्ला हमारी कम्युनिटी में बड़ी आसानी होती है कि जो वहाँ का सुपरवाइज़र है वो सारा कुछ साफ़ कर देता है लेकिन जिन लोगों के गार्डन के काम उन्हें ख़ुद करने पड़ते हैं उनके लिए अच्छी खासी तकलीफ़ से बात हो जाती है वैसे तो मुझे ये वीट्स बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं और जी आप लोगों के यहाँ आजकल कौन से फूलों का मौसम आया हुआ है ज़रूर मुझे बताइएगा वैसे तो जब हम पाकिस्तान में रहते थे मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि कौन से मौसम में कौन से फूल खिलते हैं लेकिन यहाँ पे जो है वो ट्यूलिप्स इस मौसम में बहुत खूबसूरत लगते हैं पिछले कुछ दिन से जो है वो यहाँ पर बसेस की स्ट्राइक थी तो पब्लिक बस बिल्कुल नहीं चल रही थी और स्ट्राइक के बाद जब उन्होंने बस सर्विस स्टार्ट की तो उन्होंने ऐलान किया कि अगले कुछ अर्से तक के लिए बस जो है वो बिल्कुल फ़्री होगी तो यानी कि पब्लिक बसेस में आपने जहां भी जाना है आप फ़्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं कितनी अच्छी बात है ना कि अगर पिछले कुछ अर्से आपको इनकनवीनियंस रही है तो अब आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सहूलत फराम की गई है देख के मुझे बहुत अच्छा लगा तो मेरी बच्चियों ने जो है वो मुझे कन्विंस कर लिया कि हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है अम्मा चलें हम जो है ना वो बाबा का वेट नहीं करेंगे शाम तक हम लोग बस से चलेंगे तो बस हम जो है वो तीनों जा रही हैं और बड़ा ही मज़ा आया उस दिन हमें एक्चुअली हम लोगों को पब्लिक बस में बैठने का मौका बहुत ही कम मिलता है तो इसलिए जब भी मिलता है उसको हम बहुत बहुत इन्जॉय करते हैं और असल में ये जो बसेज हैं ना वो हाइट पर होती हैं तो जब आप उसमें बैठ के खिड़की से बाहर झांकते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि रोज़ का देखा हुआ नज़ारा भी जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा है तो बस यही बात है तो बहरहाल हम माँ बेटियों का एडवेंचर था हमने अपना एक अपॉइंटमेंट था उसको जाके जो है वो हाज़िरी दी और उसके बाद जो है वो हमारा प्लान था कि हम मॉल जाएंगे और वहाँ पे जाके खूब मज़े करेंगे कुछ दिन पहले मुझे एक बड़ा मज़ेदार मैसेज आया हुआ था इंस्टाग्राम पे कि बाहर की ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी बोरिंग होती है आप बहुत दूर होते हैं परदेस में होते हैं तंगी तकलीफ़ में कोई आपका साथ ही नहीं होता तो किस तरह से इंसान जो है वो वहाँ पर रिलैक्स रह सकता है तो देखें बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप अपने मुल्क से बाहर हैं अपने प्यारों से दूर हैं तो डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं वो मुश्किल तो होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने ज़िंदगी में ना कभी देखी होती हैं ना सुनी होती हैं और उनको फ़ेस करना जो है ना वो रियली एक बड़ा टास्क होता है तो चलें आज थोड़ी सी बात इस पे करते हैं देखें अगर आपको कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में चाहे आप बाहर रहते हैं चाहे आप अपने मुल्क में रहते हैं एक बात अच्छी तरह से आपको उस पर तोल होना चाहिए यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो सबसे ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं तो उन्हें पता है कि क्या आपके लिए बेहतर है तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो इस वक्त आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही है या कोई ऐसी चैलेंजेस हैं आपके सामने जिनके साथ जो है वो आपको रोज़ रोज़ फ़ाइट करनी पड़ती है और उस पर ओवरकम होने के लिए जो है वो आपको बहुत एफ़र्ट्स लगानी पड़ती हैं तो यकीन माने कि ये आपके लिए जो है वो ज़रूर कोई ना कोई खैर और भलाई का सबब है और इन शी नियर फ्यूचर में जो है ना आप अपनी सारी मुश्किलों परेशानियों को भूल भी जाएंगे ऐसा होता है कि नहीं होता कभी आपको चोट लगती है और उस दिन आप कहते हो फाज बहुत दर्द है बहुत दर्द है और एक हफ़्ते बाद जब वो चोट सही हो जाती है तो आपको याद भी नहीं रहता कि वहाँ पर कभी चोट लगी थी हो ऐसा है कि नहीं है तो ये अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत है कि इंसान जो है ना बड़ी चीज जल्दी चीज़ों को भूल जाता है वक्त जो है वो जैसे जैसे गुजरता जाता है तो इंटेंसिटी जो है वो कम होती रहती है तो किस्सा मुख्तर ये कि आप देश में हैं या प्रदेश में हैं चीज़ें डेफिनेटली हर वक्त आपके हिसाब से हो नहीं सकती हैं तो उसको आप जो है वो किस तरह से फ़ेस करेंगे पॉजिटिव रह के अगर आपके जहन में जो है वो सिर्फ़ अच्छे कमान होंगे ना तो यकीन माने आपके साथ अच्छा ही होगा बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ना अगर आप चाहें तो कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ ही सकते हैं और अगर ऐसा लगे कि कोई ऐसी अच्छाई नहीं है तो यकीन माने के इन शाला तल ये मुश्किल जल्दी से टल जाएगी और आपके लिए बहुत आसानी के रास्ते खुल जाएंगे तो बस ये परदेस में रहने के लिए जो है वो हम ये सोचते हैं कि अपनी फैमिली के साथ हैं आना जाना आसान है थोड़ी सी सिक्योर लाइफ है और अपने प्यारे दूर हैं तो क्या हुआ अब आप देखिए कि व्हाट्सएप है या दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उनकी वजह से कितनी आसानी हो गई है एक ज़माना था कि हमारे पड़ोस में फ़ोन होता था और कोई बाहर रहता था ना तो वो फ़ोन करता था पड़ोस में कि मैं पंद्रह मिनट बाद फिर से फ़ोन करूँगा फिर वो हमें आवाज़ देते थे फिर हम भागते हुए जाते थे और फिर वो फ़ोन रिसीव करते थे इस तरह की सिचुएशन आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी या फिर टीवी के जो हैं वो इतने सारे चैनल ही नहीं होते थे सिर्फ एक चैनल होता था और नौ साढ़े नौ बजे खबर नामे के बाद तो बिल्कुल ही फ़ारिग हो जाता था तो अगर आप सब लोग मेरे एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप लोग बिल्कुल रिलेट करेंगे कि अब माशाल्लाह बहुत सहूलतें हैं बहुत आसानियाँ हैं बहुत एक्सपोजर है और जहाँ भी आप रहते हैं अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए किसी ना किसी अच्छी सी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए अपने घर के कामों में ही जो है वो कोई खुशी तलाश कीजिए या अगर आप नौकरी करते हैं तो ऐसी नौकरी ढूँढें जिसमें आपका दिल खुश हो और अगर कोई ख़ुश होने के ख़ास अस्बा नज़र नहीं आते तो इसी बात पर खुश हो जाएँ कि अलमदिल्ला ने आपको पूरे हाथ पैर और अज़ा के साथ और अच्छे से दिमाग के साथ पैदा किया है तो इससे बड़ी नियमत और क्या हो सकती है तो हर बात में अच्छा सोचें तो इन शाला त होगा तो जी अब आप कह रहे होंगे कि इन्होंने तो पूरी शॉपिंग बातों में गुजार दी और बसों के सफ़र करती हुई है घर पहुँच भी गई तो अब ये क्या कर रही हैं तो अब हम बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ज़रदा कुछ मीठे ऐसे होते हैं जिनसे आप खौफज़दा होते हैं और मैं तो बहुत ही खाने पकाने की चीज़ों से खौफ़ज़दा होती थी उन्हीं में से एक जो है वो जरदा भी है क्योंकि चावलों के काम से मुझे लगता है डर के वो बैठ जाएंगे लेकिन ये रेसिपी सुपर सिंपल है आपने सिर्फ चीनी का एक शीरा बनाना है शीरा भी नहीं बनाना बल्कि चीनी को डिज़ोल्व करना है और जितने चावल लिए हैं बस उतनी ही चीनी ली है और एक कप पानी के अंदर आपने उस चीनी को डिज़ोल्व करने के लिए रख दिया है थोड़ा सा उसमें कलर डाल दें अगर आपको थोड़ा सा ऑरेंज जरदा पसंद है यहाँ पे एक दूसरा पैन लिया है इसमें मैंने शामिल कर दिया है एक टेबल स्पून घी यकीन माने इस जर्दे में बस एक टेबल स्पून घी ही जाएगा तो बस मीठा होने की वजह से ये थोड़ा सा अनहेल्दी है तो है लेकिन ऑयल की वजह से ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है तीन चूल्हों का फ़ायदा उठाएं एक पे चावल उबलने के लिए रख दीजिए एक पे आपने ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा ड्राई करना है और एक पे मैंने चीनी का शीरा बनने के लिए रख दिया है अच्छा जी ड्राई फ्रूट को ड्राई नहीं बल्कि फ्राई करना है <laughs> थोड़ा सा फ्राई करें जब तक उनका कलर ना चेंज हो जाए और इतना मत इन्हें फ्राई करें कि ये जल जाए तो बादाम थोड़े से ज़्यादा डार्क कलर के हुए तो मैंने इसमें किशमिश डाल के और इसका चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि किशमिश जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है या फिर ऐंठ जाती है तो खाते हुए आपके दांतों में चिपकती है तो इसको बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें इसके अलावा कोई और तरह के नट्स आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें यहाँ पर चीनी देख लीजिए पूरी तरह से घुल गई है मैंने चूल्हा बंद कर दिया है चावल अच्छी तरह से बॉयल हो रहे हैं इनका पानी मैं निकाल लूंगी मैंने चावल में भी थोड़ा सा औरज कलर डाला था और शीरे में भी ऑरेंज कलर डाला था ताकि जर्दे में किसी भी तरह से कलर की कमी ना रहे और जी यहाँ पे चावल अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं दो घंटे भिगो के रखे थे मैंने सेला चावल दो कप सेला चावल हैं दो कप चीनी है और एक कप पानी है सिंपल सा हिसाब है इसका चावल जैसे ही बॉईल हो गए हैं तो इनको हम दम देंगे राइस कुकर में मैंने शुरू में कहा था ना मुझे ज़रदे से डर लगता है लेकिन राइस कुकर में अगर आप जरदा पकाएं तो इसमें कोई भी घबराहट की बात नहीं होती आप चाहें तो इसे नॉर्मल देगची में भी बना सकते हैं देगची का जो पेंदा है या राइस कुकर का जो बेस है उसे आप थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए उस पर बॉयल चावल डालें और जो आपने नट्स फ़्राई किए हैं वो ऊपर से डाल दीजिए और इसके ऊपर अब हम शीरा डाल के जो है वो इसको बंद कर देंगे तो जी राइस कुकर जो है वो अपना काम करेगा जब तक शीरा जो है वो पूरा एवेपरेट नहीं हो जाएगा तब तक राइस कुकर चलता रहेगा इसी तरह से अगर आप चाहें तो दम लगा के जो है वो इसको देगची को सही से कवर करके चूल्हे पे भी रख सकते हैं तो आपका जो है वो ज़रदा बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा तो जब भी मैं ज़रदा बनाती हूँ अब हमेशा ऐसे बनाती हूँ अलहमदिल्ला नो फेल ज़रदा है आपको पता है बचपन में हमारी अम्मा जो है ना पुलाव और जरदा मिक्स करके खाया करती थी और हम इतना मज़ाक उड़ाते थे कि अम्मी ये क्या हरकत है आप कैसी हरकतें करती हैं ये तो बहुत ही पेंडू होने की बात है यकीन करें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और मेरी उम्र बढ़ रही है तो शायद मेरा पेंडू पना भी बढ़ता ही जा रहा है हमारे घर एक दिन पहले जो है वो बिरयानी आई थी बाज़ार से और वो बची हुई थी तो मैंने जी उस बिरयानी के साथ मिलाया जरदा और मैंने भी खाया तो बस जी एक टाइम ऐसा आता है कि महाला आप अपनी अम्माओं जैसे हो ही जाते और जी यहाँ पे आपने देख लिया इंस्टेंट पॉट में जो है वो हलीम बिल्कुल तैयार है अब मैंने इसको स्लो कुकर पे रख दिया है और ये जब तक मैं दावत के लिए तैयार नहीं होंगी तब तक ये अच्छी तरह से कुक होता रहेगा तो जी आज हमने जाना है एक वन डिश पे और वैसे तो मैंने चिकन कढ़ाई लेके जानी थी लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा चेंज किया जाए तो आज मैंने बनाया है हलीम और उसके साथ मीठे में मैंने बनाया है ज़रदा तो ज़रदे को मैं अच्छी तरह से डिश आउट करके और उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा स्वीट एंड कोकोनट है ये और साथ में थोड़े से पिस्ताशियो डालूँगी मिठाई मैंने मंगवा ली है अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी डाल सकते हैं इसके ऊपर तो जी अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है तो मैं बता दूं कि आज जो है वो हम लोगों ने जाना है एक वनडिश में और वनडिश में जो है वो आपको पता ही है सारा ग्रुप इकट्ठा होता है ख़ूब मज़े से बातें करने का मौका मिलता है और हम खूब ख़ूब इंजॉय करते हैं और मज़े मज़े की चीज़ें भी खाते हैं इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने पकाई नहीं होती हैं तो खाने में डबल मज़ा आता है तो आजकल दिन बहुत लंबे हो गए हैं तो आप देख ही सकते हैं कि सूरज अभी तक वो नहीं हुआ है हालांकि इस वक्त जो है वो साढ़े सात हो गए हैं हमारे पास मगरिब की नमाज़ इस वक्त नौ बजे के करीब हो रही है और ईशा की नमाज़ जो है वो दस चालीस पे आप लोगों के पास आजकल नमाज़ों के क्या टाइम है ज़रूर मुझे बताइएगा और यहाँ पे जो है वो मज़ेदार किस्म का खाना जो है वो साथ साथ गर्म हो रहा है और डिश आउट हो रहा है साथ में मगरिब की अज़ान हो गई थी तो हज़रात जो है वो बाहर आग जला के बैठे हुए थे क्योंकि मे का महीना इतना अनप्रडिक्टेबल है यानी कि मे भी रेनी हो सकता है मे भी हॉट हो सकता है और मे भी कोल्ड हो सकता है तो बस जी यही वाला हाल है कि कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है तो बाहर जो है वो अंगीठी जला के हजरात बैठे हुए थे और अंदर ख़वान ने जो है वो खाना गर्म करके जो है वो सर्व करना स्टार्ट कर दिया और धुआँ उड़ाती हुई मज़ेदार भाप निकलती हुई बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बिरयानी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ आप में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे इतना प्यारा मैसेज किया कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं तो मुझे इतनी खुशी हुई पढ़ के कि देखें लोग जो हैं वो आपसे प्यार करते हैं और आपको इतना खूबसूरत मैसेज करते हैं जो जाकला खैर कि आपको ऐसा ख्याल आया मेरे बारे में बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें मैं और आप हमेशा ही तो मिलते हैं हफ्ते में दो दो दफ़ा इन व्लॉग के ज़रिए तो आप मुझसे बात करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है जो मैसेजेस आते हैं मैं ज़रूर पढ़ती हूँ उनके जवाब देती हूँ अगर आप कोई ख़ास चीज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा तो हम उसके ऊपर जो है वो मज़ेदार सी बातें कर सकते हैं और ज़्यादा सीरियस uh, बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर एक की लाइफ जो है ना वो बड़ी ही सीरियस होती है भाई कौन है जिसके पास मसले मसाइल नहीं होते तो अब अगर आप मेरे पास आएँ और यहाँ पर भी ऐसी दुख भरी दास्तानें सुने तो क्या मज़ा है ज़िंदगी में तो जो भी कुछ है अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि खैर व आफ़ियत से सारे मामल जो हैं वो सीधे रहें और आफ़ियत के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजरती रहे और मेरे साथ जो है आप ये मज़े मज़े के व्लॉग इन्जॉय किया करें आप लोग मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं या मुझसे क्या बात करना चाहते हैं अपने कमेंट्स में मुझे बताएं और अगर आप में से कोई लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो ज़रूर मुझे वहाँ आके फॉलो करें वहाँ पे जो है ना मैसेजेस का जवाब देना बहुत आसान होता है क्योंकि यूट्यूब पे जब आप मेरे मैसेजेस के रिप्लाई करते हैं तो वो कहीं गुम हो जाते हैं और कितने महीनों बाद मुझे नज़र आता है कि किसी ने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई भी किया था तो बेहतर है कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे डी एम किया कीजिए वहाँ से बात करनी आसान है और जी इतनी सारी गप्पों में और बातों में जो है वो देखें कि कितना मज़ेदार किस्म का खाना जो है वो सर्व भी हो गया है और सब लोग कितने मज़े से ले कर खा रहे हैं और इन्जॉय हैं और हलीम जो है वो माशाल्लाह जब भी जाता है वो हिट ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत शौक से खाते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि हलीम जो है वो बच जाए तो बस जी और आपने स्लो कुकर पे अगर इंस्टेंट पॉट में हलीम को रखा हुआ होता है ना तो वो बहुत गर्म होता है यानी कि अब मैं इसको उतार के ले भी जाऊँ ना तो उसके बाद भी आधे घंटे तक जो है वो उसमें से धुएँ निकलते रहते हैं तो मैंने सोचा कि कोई लोग जो हैं वो शायद पसंद करें बिरयानी के साथ जरदा मिला के खाना तो खाने के साथ ही जो है वो जरदे के ऊपर खूब सारी मिठाई और पिस्ते और गुलाब की पत्तियाँ छिड़क के सर्व कर दिया ताकि जो मेरे जैसा पेंडू है वो इंजॉय कर सके मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आपके आलमंड केक की रेसिपी बहुत अच्छी है पाइन केक की रेसिपी बहुत अच्छी है लेकिन इसको खा के जो है वो वेट कैसे मेंटेन किया जा सकता है भाई देखें अब इतने शानदार मीठे आपके सामने अब ये देखें मैंगो डिलाइट आजकल आमों का मौसम आया हुआ है इस कदर शानदार मीठा था तो हाथ तो रुकना मुश्किल होता है बस एक चीज़ रख किया करें कि पोर्शन कंट्रोल रखा करें एक ही दफ़ा लिया करें बार बार जाके मत सर्विंग लिया करें एक ही सर्विंग से कोशिश करें कि दिल खुश हो जाए और वॉक किया करें मेरा ख़्याल है इतना करना ही काफ़ी है और जी आ गया है ये नेक्स्ट डे और इस दिन जो है वो छुट्टी ही थी तो मैंने सोचा बच्चों से कुछ काम करवाया जाए तो जितनी भी मशीनें हैं क्योंकि रमज़ान के दौरान भी आपके ब्लेंडर जूसर बीटर बहुत यूज़ होते हैं इंस्टेंट पॉट प्रेशर कुकर इन सब चीज़ों को जो है वो मैंने बाहर निकाला और बच्चों से कहा कि आज आप लोगों ने आधा घंटा लगा के इन सब को चमकाना है इसी तरह से जो है इन मशीनों को आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि ये आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं स्पेशली प्रदेश में जब जहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती ये मशीनें आपका बहुत काम करती हैं तो आपको भी इनका ख्याल रखना चाहिए तो आपके घर में भी जो भी मशीनें हैं जिन्हें आपने बहुत दिनों से इस्तेमाल किया है मगर साफ़ नहीं किया है तो आज उनकी भी ईद मनाइए और उन्हें भी अच्छी तरह से साफ करके रखें इस तरह से वो देखने में भी अच्छी लगेंगी और उनकी लाइफ भी जो है वो लॉन्ग हो जाएगी तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़